वो केंद्र बिंदु था अपराध का, अपराध जगत का केंद्र बिंदु था। और हमारे बॉर्डर क्षेत्र पर जो भी अपराध करने वाले ऐसे लोग थे उन सबको वो जो है शरण स्थली था। दंगे हो रहे हैं दिल्ली में, दंगे हो रहे हैं मुजफ्फरनगर में, दंगे हो रहे हैं लखनऊ में, इन बलरामपुर में क्यों नहीं हो रहे हैं, श्रावस्ती में क्यों नहीं हो रहे हैं, सिद्धार्थनगर में क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि यहाँ इन सब की बाढ़ आ रही है। उसका एक कारण है कि यह बहुत सॉफ्ट एरिया इनके लिए बना हुआ है, नौ धनाढ्यों का एक कह सकते हैं कि एक बाढ़ सी आ गई है। ये मुख्यतः तीन मुद्दों पर काम करते हैं, दारुल हरब, दारुल जबर और दारुल इस्लाम, जो मॉड्यूल और स्लीपर सेल जिनको आप कह सकते हैं उनके बैठने का अड्डा भी इसको माना जा सकता है कि अचानक वो अटैक करेंगे या उनकी सक्रियता किस समय, उस समय का भी निर्धारण होता है कि किस समय अंधक बना करके उनसे धंधा करवाना। पाल सीमा में चेंज होती डेमोग्राफी, एक तरफा बढ़ती आबादी, ना सिर्फ आबादी बल्कि धर्मस्थल या इबादत गाहें भी, उस पर हमारे साथ इस समय बात करने के लिए स्थानीय नेपाल सीमा पे लंबे समय से काम करने वाले कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इस समय मौजूद हैं। हम जानेंगे कि ये जो मीडिया रिपोर्ट से या जो अमित शाह जी ने खुद एक तरीके से आदेश किया लोगों को या अधिकारियों को, क्या उसमें कितनी सच्चाई है, जमीनी सच्चाई, ऑन ग्राउंड सच्चाई क्या है। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विद्याभूषण है जी, और मैं सीमा जागरण मंच जी में काम करता हूँ जी, और अवध प्रांत का युवा प्रभारी हूँ जी, और बलरामपुर जनपद में रहता हूँ, बॉर्डर एरिया का ही अच्छा काम है अवध प्रांत। बॉर्डर में कितने समय से काम कर रहे हैं? बॉर्डर एरिया में करीब 20 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। मतलब कितना दूरी डिस्टेंस कवर करते हैं? डिस्टेंस चार जिले आते हैं इसके अंतर्गत जी, लखीमपुर, बहराई, श्रावस्ती और बलरामपुर। अच्छा, इन चारों जिलों का भ्रमण और यहाँ पर काम हमारा चल रहा है। अच्छा, एक खबर आई है थोड़ा सा दिल्ली में गलियारों में घूम रही है जी, कि नेपाल सीमा पर डेमोग्राफी मतलब चेंज हो रही है जी, हिंदू आबादी घट रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ये मीडिया खबर है जी, आप जमीनी हकीकत बताइए, 20 साल का अनुभव बताइए जी। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत, सही है खबर, बिल्कुल सत्य है, और बिल्कुल प्लानिंग के तहत बॉर्डर एरिया में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, नौ धनाढ्यों का एक कह सकते हैं कि एक बाढ़ सी आ गई है, नौ धनाढ्य नए नवेले अमीर जी जी जी। और अभी कुछ रोक लगी है सरकार बनने के बाद, नहीं तो जिस तरह से मदरसे और मस्जिद और जो है मजार जी, ये बिना आदेश के और बिना किसी रिकॉर्ड के वो बनाए जा रहे थे, और उनमें क्या क्या हो रही थी, क्या क्या गतिविधियां हो रही थी, इसका किसी को कोई पता नहीं है। मदरसों में कहाँ के विद्यार्थी आकर के पढ़ते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, उनकी गतिविधियाँ क्या हैं, इस विषय में भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ तक कि आपका हमारे जनपद का जो एकदम बॉर्डर का एरिया है, जहाँ से बॉर्डर मात्र 10 किलोमीटर लगता है, उसका मुख्यालय जो है पचपड़वा, वहाँ पर 2-3 मदरसे ऐसे हैं और बड़े मदरसे हैं, सरकार से उनको फंड भी मिलती है अभी भी मिलती है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर से भी लाकर लड़कियाँ पढ़ाए जाते थे, केरल से लाकर लड़के लड़कियाँ पढ़ाए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उनका यहाँ पर आना, यहाँ पर पढ़ाई करना और फिर किस उद्देश्य से यहाँ पर रखना, ये सरकार दावा है। देखिए, ये मुख्यतः तीन मुद्दों पर काम करते हैं, दारुल हरब, दारुल जबर और दारुल इस्लाम। ये फिर छोटे छोटे स्थान ऐसे दारुल हरब बना करके और फिर दारुल इस्लाम की स्थापना। अब मदरसों में मजारों को आप खोदिए तो मजारों में क्या चीज़ रखी जाती है, उसके नीचे क्या होता है, तो उसके भी एविडेंस होने चाहिए ना। वो वैसे ही बना करके उसकी पूजा करना शुरू कर दें तो उसका क्या मतलब होता है। बाढ़ सी आई जी, मतलब चलिए आबादी आपने माना बढ़ जी, तो इबादत गाहें भी बढ़ी हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अच्छा, ये एक प्लानिंग के तहत ऐसा बना रहे हैं कि एक
जो मॉड्यूल और स्लीपर सेल जिनको आप कह सकते हैं, उनके बैठने का अड्डा भी इसको माना जा सकता है। खास तौर से हाईवे के किनारे, सड़क के किनारे जो आप देख रहे हैं वहाँ बना रहे हैं, और वहाँ पर जा करके आप कह सकते हैं कि मदरसे हैं। अब रहने के स्थान को मदरसों में मिल सकते हैं, और कम्युनिकेशन के स्थान के मजारों से हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मजार पर लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा। रहने के स्थान और लोगों से फेमिलियर टच होने के लिए वो मदरसे बन गए हैं। अच्छा। और जो अपनी गुफ्तगू करने का जो उनका स्थान है, वो नए नए जो मस्जिदें बनी हैं उनके माध्यम से हो रहे हैं। अच्छा। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से अच्छा, दूसरा एक भी जो डेमोग्राफी चेंजिंग आ रही है, उस डेमोग्राफी चेंजिंग में आप ये देख सकते हैं कि दंगे हो रहे हैं दिल्ली में, दंगे हो रहे हैं मुजफ्फरनगर में, दंगे हो रहे हैं लखनऊ में, इन बलरामपुर में क्यों नहीं हो रहे हैं, श्रावस्ती में क्यों नहीं हो रहे हैं, सिद्धार्थनगर में क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि यहाँ इन सबकी बाढ़ आ रही है। उसका एक कारण है कि यह बहुत सॉफ्ट एरिया इनके लिए बना हुआ है, बहुत इत्मीनान से रहने का स्थान इनका हो गया है। यहाँ कोई दंगा होगा, यहाँ कोई विस्फोट होगा, तो निश्चित रूप से सरकारी तंत्र सक्रिय हो जाएगा और इनको परेशान करना शुरू करेगा। अच्छा, दूसरा इनके रहने का ये सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण स्थान ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि जब ये यहाँ पर रहेंगे, यहाँ कोई विस्फोट नहीं करेंगे, कोई तंत्र नहीं गड़बड़ करेंगे, तो यहाँ आराम से रह सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं। और बॉर्डर नज़दीक होने के कारण जब इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा तो तुरंत ही नेपाल बॉर्डर पार करके और नेपाल में चले जाएंगे, फिर वो इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो जाता है, और उनके सॉफ्ट एरिया है, उसमें बचने का बहुत बड़ा तंत्र है, इसलिए यहाँ पर बहुत सुकून से रहते हैं। पुलिस है जी, यहीं पे कस्टम भी है जी, यहीं पे एसएसबी भी है जी, एलआईयू भी है, आईबी भी नेपाल सीमाओं पे रहते जी है। जो जानकारी आपको है क्या प्रशासन को नहीं है? बिल्कुल प्रशासन को है। कार्रवाई क्यों नहीं? अब हाँ। या तो हो सकता है कि कुछ तंत्र उनके कमजोर होंगे या कुछ किन्हीं कारणवश वो शांत होंगे, कि हो सकता है उनका भाई एक नेटवर्क होगा कि अचानक वो अटैक करेंगे, या उनकी सक्रियता किस समय, उस समय का भी निर्धारण होता है कि किस समय हम सक्रिय होकर के और इनको कैप्चर करेंगे। तो सरकार अपना काम कर कहां से रहा है आपके हिसाब से, मस्जिदों का, मदरसों का, क्या ये लोकल लोगों का पैसा है या बाहरी भी पैसा है? नहीं, इसमें देखिए इनका एक फंड होता है जो मस्जिदों में लोग अपने प्रतिदिन के खर्चे से 10% निकाल करके देते हैं, ये प्रतिदिन का उनका चंदा होता है। दूसरा, इनके जो बड़े लोग हैं, जो चाहे वो मुंबई में बड़ा कारोबार कर रहे हैं, सऊदी अरब में बड़ा कारोबार कर रहे हैं, उन सब का अपने हिसाब से जिनके इनकम का प्रतिशत उसमें आता है। अच्छा। और कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो अलग से इसका एक बड़ा फंड इन लोगों को इस कार्य के लिए देते हैं। अच्छा। और उसी फंड से ये लोग अपना काम बढ़ाते हैं और काम करते हैं। सर, थोड़ा सा मैं आपसे भी बात करना चाहूँ, ये हिंदू राष्ट्र बोलते थे इसको कुछ ही समय पहले, अभी तो फिलहाल वामपंथ में है, तो सर वजह क्या है कि जितनी सक्रियता उस इस्लामिक मुल्क के बॉर्डर पे नहीं है, उसका 10 गुना ज्यादा हिंदू राष्ट्र के बॉर्डर पे? वजह आपको व्यक्तिगत थोड़ा अपना परिचय देके बताइएगा सर प्लीज। मैं ओम प्रकाश मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष सीमा जागरण मंच बलरामपुर जी। हमारे जिले में 4 ब्लॉक आते हैं, हरिया सतघरवा, तुलसीपुर, गैसड़ी और पचपड़वा। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करते हैं और एसएसबी जो तैनात है उसके साथ सामंजस्य बैठा करके जनता का सहयोग उनको मिले और सरकार की जो प्लानिंग है वो करें, हम लोग एक सामंजस्य बैठा कर काम करते हैं बॉर्डर एरिया पर। हमारे यहाँ तुलसीपुर क्षेत्र में पूर्व विधायक थे मगरे सिंह जी, एसएसबी आने के पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी उसके पूर्व स्थिति थी, यहाँ पर तस्करी होती थी खूब और हत्याएं होती थी, बलात्कार होते थे, यानी पूर्व विधायक मगरे सिंह की हत्या लोगों ने कर दिया, और जो ऐसे असामाजिक तत्व तो हैं मुस्लिम। अच्छा। वो सब ये सब करते करके मगरे सिंह की हत्या किसने की थी सर, कुछ
पता था किसी मुलजिम का नाम याद है? अब उस पर जो पूर्व विधायक है मसूद खान का नाम आया था। अच्छा, तो रिजवान जो जेल में है उसी का सारा जो है ग्रुप था। रिजवान जो इस समय जेल में है, ठीक है, तो उसका ग्रुप था। हत्या करके ये लोग नेपाल भाग जाते थे, तस्करी भी होती थी, लोग संपन्न मतलब उस प्रकार से पैसा कमाते थे। हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिया यहाँ से सर्वे करके, उस पर उसके बाद में बीजेपी सरकार थी, अटल जी थे प्रधानमंत्री, उस समय गृह मंत्रालय ने यहाँ पर एसएसबी तैनात किया। बीजेपी गवर्नमेंट में ही एसएसबी आई है। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट जी, उसके पहले नहीं, हाँ उसके पहले नहीं था, ना कुछ नहीं था, खुला था एकदम। लोकल पुलिस भाई, लोकल पुलिस थाने वाले देखते थे। एसएसबी हम लोगों के सर्वे के आधार पर जो हम लोग गृह मंत्रालय को भेजा, एसएसबी तैनात हुई। एसएसबी आने के बाद जो है काफी नियंत्रण हुआ जी, और एसएसबी वाले पहाड़ों पर वहाँ जंगल में बेचारे काम करते हैं सक्रिय रूप से, उससे तस्करी भी पर भी नियंत्रण हुआ जी। और जो सारी घटनाएं होती थी उस पर भी नियंत्रण हुआ। हम लोग क्या करते हैं कि सामाजिक संस्था जो हमारी है सीमा जागरण मंच, पूरे भारतवर्ष के अंदर चारों तरफ जो चाहे समुद्री सीमा हो चाहे भारत नेपाल सीमा हो, हमारे जो कार्यकर्ता हैं पूरे बॉर्डर पर चारों तरफ से लगे हैं जी। वो लोग जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके साथ मिल करके और काम करते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ और भी सामाजिक काम हम लोग करते हैं, जो बॉर्डर एरिया से 10 किलोमीटर का रेंज है वो एक पट्टी हम लोग मिल करके वहाँ के जन जागरण करते हैं। बाकी जहाँ तक प्रश्न हुआ आपने जो विषय रखा कि इधर जो है ये सब क्यों हो रहा है, वास्तविकता ये है कि ये कोई छोटी मोटी सोच नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है भारत को मुस्लिम क्षेत्र बनाने का, यहाँ पर सत्ता को अपने कब्जे में करके अंतर्राष्ट्रीय खड़े थे। उसके तहत जो है ये लोग नंबर एक घुसपैठ करते हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जो और भी देशों से जो मुस्लिम हैं वो घुसपैठ पर देश के अंदर आते थे। इस सरकार के पहले घुसपैठ बड़ी तेजी के साथ हो रही थी। उसमें वो लोग आते हैं, बॉर्डर पार करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई जो है चप्पल बनाता है, मोचीगिरी काम करता है, दिन भर ऐसे धंधे करते हैं और रात में नंबर दो का काम करते हैं, किसी को मार देंगे, हत्या कर देंगे, धन छीन लेंगे, ये उनकी रणनीति है। एक तो घुसपैठ हुआ, मस्जिद मदरसों का नए नए हो रहा है, इस पर क्या कहें? उस पर देखिए मदरसे प्लान के तहत है, उनका लोकल स्तर पर भी सपोर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा आता है। अच्छा। ये सब इन सब कामों के लिए, विशेषकर बॉर्डर क्षेत्र के लिए उनकी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये सब हो रहा है। अच्छा, तो इसको आप लोग अवेयर हैं, तो शासन प्रशासन को अवेयर नहीं कर रहे इन चीजों से? हम लोग अपना जो है सुझाव, हमारा एक चैनल है, चीजें आप मानते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हुई है? हाँ हाँ बिल्कुल मानता हूँ चेंज हुई है, लेकिन जो उनका प्लान है वो सफल नहीं होगा। कैसे कह सकते हैं? हम कहते हैं, हमको मेरा आत्मविश्वास है और हमारी जैसी जागृति हो रही है, जो हमारा नेटवर्क है, हमारे लोग हैं, जो जागरूकता है, एक राष्ट्रीय जागरूकता पैदा हो रही है। सुना है मैंने, थोड़ा उसके बारे में आपको जानकारी हो, जिसका नाम था मिर्जा दिलशाद बेग। ऐसा है कि वो मिर्जा दिलशाद बेग नेपाल में रहता था। हाँ। वो केंद्र बिंदु था अपराध का। हाँ। अपराध जगत का केंद्र बिंदु था और हमारे बॉर्डर क्षेत्र पर जो भी अपराध करने वाले ऐसे लोग थे उन सबको वो जो है शरण स्थली था। ये लोग अपराध करते थे और जब यहाँ की पुलिस जो है दौड़ती थी तो भाग जाते थे नेपाल। यहाँ जैसे गाड़ी है, मान लिया आपकी चौपहिया है, दो पहिया है, वो उठा ले जाते थे, वहाँ बिक्री होती थी। अच्छा। और सारे जो भी मतलब
आपराधी वारदातें होती थी उसका केंद्र बिंदु वही था। अच्छा, पाली राजनीति में सक्रिय था, वो सांसद था। अच्छा, और यहाँ के लोग जो अपराधी प्रतीक थे उसको संरक्षण देता था। कह सकते हैं तस्करी का एक नेपाल में किंग के रूप में वो जाने जाते थे। अच्छा, तो अपराध जगत के लोग बॉर्डर के दोनों तरफ रहते थे, इधर के लोग अपराध करते थे वहाँ जाके शरण लेते थे, वहाँ अपराध करते थे तो यहाँ भी छोटे छोटे इस तरह के अड्डे उनके थे तो वो आकर के यहाँ भी अपना संरक्षण पाते थे। लेकिन SSB और न्यान के सक्रियता के कारण उतना खुफिया तंत्र भी उस समय सक्रिय नहीं था, लेकिन जो अब खुफिया तंत्र सक्रिय है उसकी वजह से भी तमाम अपराध रुके। अब कोई नया दिलसाद बेग नहीं तैयार हुआ? नहीं, अब उस तरह के लोग तो नहीं है, वो स्लीपर सेल मॉड्यूल की तरह चुपचाप साइलेंट मोड में अपना जो काम कर रहे हैं। खुल करके तो यहाँ काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो खुल करके काम दूसरे स्थानों पर हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन सब स्थानों पर उनके लोग और ऐसे लोगों का एक बहुत साइलेंट अड्डा बना हुआ है। क्या सर रिजवान जहीर को नेपाल का दिलसाद बेग माना जा सकता है, या दिलसाद बेग इनसे बड़ा नाम था? नहीं, वो तो बड़ा था रिजवान जहीर। ये जो है इनका भी शरण स्थल वहाँ था। अच्छा, रिजवान जहीर यहाँ पर जो हत्याएं करते थे या जो भी ऐसी घटनाएं करके वो भाग जाते थे वहाँ। यहाँ दो लड़के, कुछ ठेके मामला था, चार लड़के गए थे इनके क्षेत्र में, सरेआम से गोली मार दिया था। किसने? रिजवान ने। अच्छा, उनकी हत्या हो गई, ये भाग गया नेपाल। अच्छा, और वहाँ मिर्जा के यहाँ शरण रहा। अच्छा, इनका राज बॉस रहा है, बॉस रहा। और उसके बाद में जब ये चुनाव लड़े रिजवान, तो वहीं से सीधे जो है इन्होंने नामांकन किया, जेल चले गए, जेल से नामांकन हुआ इनको और चुनाव जीत गया निर्दलीय। अच्छा, क्योंकि मुस्लिम जागरूकता के कारण जो है इसको निर्दलीय चुनाव जिता दिया। सर आप दोनों से सामूहिक सवाल था, उस साइड में दिलसाद बेग अपराध में सक्सेस रहे, इस साइड से रिजवान जहीर अपराध में सक्सेस रहे, तो वजह क्या है कि इनकी सफलता, क्योंकि ये देवी पाटन क्षेत्र माना जाता है, धर्मस्थल माना जाता है, तो आखिर उस साइड से, और नेपाल भी उस समय तो हिंदू राष्ट्र ही था पूरा आधिकारिक, तो इनकी सफलता का कारण एक वर्ग विशेष की आबादी भी उसमें योगदान देती थी? जी जी, बिल्कुल ये बात है। वर्ग विशेष जो है, क्योंकि उनके पास कमाने का और कोई साधन नहीं है, या तो वो छोटे छोटे काम करेंगे या तो फिर बड़े काम। अब बड़े काम में अपराध भी एक शामिल हो सकता है, तस्करी भी हो शामिल हो सकता है, और गैर कानूनी काम जितने हैं लगभग लगभग एक ग्रुप कर सकता है, एक रिलीजन, मतलब आप कह सकते हैं रिलीजन के लोग ही करते हैं। तो इन लोगों के एक छोटे छोटे स्थानों पर एक एक आका भी होते हैं। अच्छा, और नेटवर्क बना रहता है, तो वो अपराध करके किसके संरक्षण में किसको रहना है इसका पूरा बाकायदा नेटवर्क रहता है। जी जी, और इनकम कैसे होती है, उस इनकम का जो है ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, ये सब पूरा सिस्टम बना होता है। नहीं होगा तो काम में वो रुकावट आएगी, बाधाएँ आएंगी। दिलसाद बेग या रिजवान जहीर की गैंग में यहाँ के लोकल छुटवइये जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, रिजवान का जो प्रादुर्भाव हुआ जी, उसका उसके विकास का कारण केवल मुसलमान नहीं है। अच्छा, वास्तविकता है कि ये जो बॉर्डर क्षेत्र था या हमारा बलरामपुर जिला है, हाँ, यहाँ पर राजनेताओं ने जी, जिस समय हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे, जो हिंदू MP MLA हैं या सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनके जो गुर्गे होते थे वो समाज का शोषण करते थे। सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जनजातियां हैं और एक थारू है, और भी जनजाति, थारू जनजाति ही मुख्य रूप से बलरामपुर और सरवस्ती दोनों जनपदों में, और तीसरा लखीमपुर में, ये थारू जनजातियां ज्यादा हैं और यही ही हैं। तो इनके यहाँ एक तो व्यापार के माध्यम से, सामान बेचने के माध्यम से, सामान खरीदने के माध्यम से, और वन संपदा लेने, वन संपदा का व्यापार करने के माध्यम से मुस्लिमों का वहाँ आना जाना
बहुत तगड़ा होता है जी। दूसरा थारुओं का क्या है कि वो प्रकृति के ऊपर आधारित रहते हैं, तो उनके यहाँ तमाम प्रकार के वन औषधियाँ हैं और इस तरह की चीज़ें हैं वो लेने आने जाने। तो एक वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ किसी तरह से बरगला करके उनके यहाँ की लड़कियों को अपने साथ जोड़ करके उनको बलरामपुर से निकाल करके और बड़े शहरों में ले जाकर बड़े सपने दिखाकर उनको बेचना, उनके द्वारा एक अलग से नेटवर्क खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ा काम है ट्रैफिकिंग का। हो रहा है अभी भी हो रहा है। अच्छा। और इसके लिए बहुत सारे स्थान लोगों ने सेट करके रखे हैं, चाहे वो आपका दिल्ली हो, चाहे आपका हैदराबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे केरला हो, इसमें इनका बहुत बड़ा नेटवर्क शामिल है। उनको बहलाकर फुसलाकर किसी तरह से पैसा देकर के अत्याधुनिक जो संसाधन है, चाहे मोबाइल के माध्यम से है, चाहे लैपटॉप के माध्यम से, चाहे उनको पैसे के माध्यम से, सभी कुछ उनको उपलब्ध करा करके और उनको लव जिहाद में शामिल करके। अच्छा, दूसरा एक बहुत मजेदार मुद्दा ये है कि जब तक ये बरगलाने में लगे रहते हैं तब तक अपना नाम अयूब नहीं बताते हैं, जब तक ये बरगलाते हैं तब तक अपना नाम अली नहीं बताते हैं, ये नाम बताते हैं राजू, ये अपना नाम बताते हैं पिंटू, ये अपना नाम बताते हैं टिंकू। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक प्लानिंग के तहत। और दूसरा सबसे मज़ेदार मुद्दा ये देखिए कि जब तक इनके नाम राजू, टिंकू, पिंकू, गोलू इस तरह का नाम रखते हैं तब तक इनके हाथ में लाल कलावे भी बंधे रहते हैं, मौका लग गया तो इनके माथे पर टीका भी आप देख लेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सीमा में बहुत तगड़े से हो रहा है। और उन लड़कियों को फंसाना, उनके साथ कोर्ट में जाकर के शादी करना, दूसरा ये जो ट्रैफिकिंग का है, लड़कियों को बाहर सपने दिखा करके ले जाना कि तुमको नौकरी दिलाएंगे, ये करेंगे, वहां पर ले जाकर के उनको बड़े बड़े होटलों में बेचना, बंधक बना करके उनसे धंधा करवाना, अब बिल्कुल सामने आई है। और सरकार इसका तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि तमाम तो FIR होते हैं, उसका तो ऑन रिकॉर्ड मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही हैं। क्या ईसाइयत का भी कुछ धर्मांतरण, क्रिश्चियन का भी? जी जी, ईसाइयत का तो आप कह सकते हैं कि नेपाल बॉर्डर की तरफ से ज़्यादा हो रहा है। तो नेपाल में क्रिश्चियन जो एक उनका ग्रुप है ईसाइयों का, वो नेपाल बॉर्डर पार करके जो ट्राइबल के एरिया के गांव एकदम मिले हैं, उन पता ही नहीं चलता है कि नो मैंस लैंड है क्या नहीं या नहीं है, उन गांव में वो आकर के और ईसाई का जो ग्रुप है वो आता है, उनके यहाँ प्रेयर कराते हैं कभी कभी। अभी जो कुछ गांव ऐसे हैं पचपड़वा के जिसका एकदम नेपाल बॉर्डर पर है, गोल्डनी, मरनी, सरनी, अच्छा। ये छोटे छोटे गांव हैं, पूर्व हैं, उनके गांव में आए और उनको लालच दिया, प्रलोभन दिया, जहां अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। अच्छा। उन गांव में वो उधर से आते हैं, पैसा देते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, उनके साथ बैठते हैं और उसके बाद में वो प्रेयर कराते हैं, धीरे धीरे वो कहते हैं भगवान के बजाय यीशु का नाम लो तो ये अपना हो जाएगा, इस तरह की गतिविधियाँ अभी बदलाव चल अभी हुए हैं। इस पर अपने सीमा जागरण मंच के लोग और अपने जो अन्य संगठन के लोग भी हैं, उन लोगों ने जाकर के वहाँ चर्चाएं की हैं, बातचीत किया, उन परिवारों से मिले हैं। अच्छा। उन परिवारों के साथ बैठे, कुछ परिवारों के लोग जो ज़्यादा पैसा पा गए हैं वो विरोध भी करते हैं कि नहीं नहीं मुझे यही पसंद है। कुछ कन्वर्ट भी हो गए? हाँ, कुछ कन्वर्ट हुए हैं। ये ट्राइबल ही लोग हैं कि स्थानीय निवासी हैं? नहीं, ये ट्राइबल में ही है, ट्राइबल अभी ट्राइबल में ही है। अच्छा जी, तो कन्वर्जन कराने में ईसाई मिशनरी भी सफल? हाँ, लेकिन ये नेपाल के रास्ते से जी आते हैं, और उनका बहुत बड़ा नेटवर्क जो है नेपाल में बॉर्डर एरिया में। जैसे मुस्लिम का वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है नेपाल बॉर्डर में, नेपाल के अंदर। अच्छा। वैसे ही ईसाइयों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क वहाँ बढ़ रहा है। अच्छा। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। और वो उधर से उतर करके और अपने भारत में आते हैं, और भारत में जो एकदम बॉर्डर के गांव है, एकदम मिले हुए, सटे हुए, यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप भारत में हैं कि नेपाल में हैं, नो मैंस लैंड भी थोड़ा सा है। तो उन गांव में आना, उनसे संपर्क करना, ये उनका भी एक प्लान चल रहा है। अच्छा, बाइबिल वाइबिल? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसके लिए गोरनी मुरनी कौन सा तीन गांव? ये पचपड़वा के हैं गांव, एकदम जंगल के अंदर हैं, घनघोर जंगल के अंदर हैं, ये नेपाल बॉर्डर पर ही हैं। तो इन गांव में उनका आना जाना है, फ्रीक्वेंसी उनकी है। अच्छा,
ये जनजातियां ही प्रभावित हैं कन्वर्जन से या इन घटनाओं से कि आम लोग भी प्रभावित हैं? नहीं, अभी तो उनका ये सॉफ्ट टारगेट है, तो अभी बॉर्डर एरिया में तो कर ही रहे बलरामपुर में कन्वर्जन के लिए। अभी एक दो स्थान और चिन्हित किए गए हैं जहाँ के लोग, जहाँ की नन हैं वो अभी गांव में जाती हैं। अभी जंगल के अंदर एकदम खुला है, फातिमा विद्यालय है एक, अच्छा उतरौला में एक है, प्रेम सेवा हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचते ही आपको यीशु की पुस्तकें दे दी जाएंगी पढ़ने के। जनसंख्या अभियांत्रिकी के अंतर्गत जो अंतर आया है ये आज करीब 15 से 20 वर्षों में ज्यादा आया है, ज्यादा आया है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों का इसमें ज्यादा प्रभाव है जनसंख्या बढ़ाने में, जिन स्थानों, अब रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे और चार्ट निकलवाएंगे अगर उन सन 2001 की जनगणना का, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर पाएंगे कि जो मुस्लिम आबादी, मुस्लिम वोटिंग का अगर परसेंटेज देखें तो जो 52% या 62% और 38% होता था वो 52% 48% पर आ गया है। तो जो जनसंख्या का नियंत्रण जो है अभियांत्रिकी का था वो ग्राफ बड़ा है, पाई चार्ट अगर आप देखेंगे तो। बलरामपुर में भी आप देखेंगे तो पहले दुकान खोले, दुकान अब वो मुस्लिम नाम से तो दुकान चला नहीं, क्योंकि दुकान एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हिंदू का हिस्सा जो दुकानों पर जाता है, खाने पीने की चीज़ों का शौकीन है और वो सब का कि बिजनेस का उन्होंने एक तरीका बदला। अब वो क्यों तरीका उन्होंने बदला इसमें भी हो सकता है कुछ प्लान हो निश्चित रूप से। जैसे फल का दुकान, एक व्यक्ति है वो अपना बलरामपुर मेन चौराहे पर ही उसकी दुकान है, कंचन जूस कार्नर के नाम से चला रहा है मोमडन, अच्छा। नाम है कंचन जूस कार्नर। अब निश्चित रूप से व्रत के लोग, व्रत वाले में भी लोग जाते होंगे फल खाने के लिए, वैसे भी जाते होंगे। तो मुस्लिम चला रहा है जी, मुस्लिम चला रहा है मेन चौराहे पर। उसके बगल में ही चार दुकान के आगे एक है वो वेज बिरयानी वेज पराठा के नाम से चला रहा है, वो भी मुसलमान है, खाने वाले सारे हिंदू हैं। आप जिला जज कार्यालय के पास चले जाएं, कलेक्ट्रेट पर चले जाएं, तो वहाँ भी एक ढाबा चल रहा है, अच्छा, वो भी नाम से ढाबा चल रहा है। अब उसका ढाबे देखा था वहाँ वैष्णो करके, जी वहाँ एक ढाबा चल रहा है और उस पर भी मुस्लिम चला रहा है, नाम हिंदू रखे। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा एक आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग के तहत ये सब काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ थाईलैंड से लेकर के और अन्य सभी बौद्ध देशों के मठ मंदिर बने हुए हैं, वहाँ भी इन एक मजार आ चुकी है। विश्लेषण जो कर रहे हैं जी, बॉर्डर के जो गांव हैं जैसे आपका बालापुर है, जरवा है, टड़वा है, कनेडी है, रनियापुर है, मोहकमपुर है, चैनपुर है, मैक्सिमम गांव मुस्लिम बाहुल्य है जिनके पास हवाला की तरह पैसा भी आता है। जी जी जी। और उन्हीं पैसों से वो जितना वो अपराध जगत में पैसा खर्चा करते हैं, तो उस अपराध जगत के पैसे को थोड़ा बहुत बचाने के लिए कि हमारा नाम रहे, हमारे ऊपर ज़्यादा जांच ना बैठे, हमारे ऊपर लोगों की निगाह ना जाए, तो थोड़ा सा इधर उधर नल भी लगवा देंगे, कोई सामाजिक काम में खड़े होकर के और चूने की लाइनिंग भी करवा देंगे जी, जी कुछ सहयोग भी कर देंगे ताकि लोगों का ध्यान बटा रहे जी। और अपराध जगत में वो 90% शामिल हैं, अच्छा, उन्हीं पैसों से, अच्छा। और वो पैसे इन्हीं NRI के माध्यम से आता है जो सऊदीया में कमाने गए हैं, इराक में गए हैं, ईरान में गए हैं, अच्छा, कुवैत में गए हैं, नेपाल कंट्री से। आपका कहना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपकी, ना सिर्फ नेपाल एंड सऊदी अरब बल्कि अन्य भी मुस्लिम कंट्री का पैसा यहाँ लग रहा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा। और उसका एक बहुत बड़ा एक माध्यम जो है वो नेपाल है। अच्छा। नेपाल के माध्यम से वहाँ जो चूंकि इनकी आबादी इधर भी है और उस साइड में भी है जी, और जितना नेपाल के बॉर्डर पर 5 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया जो इनका पूरा है, इस पर भी वो अपना पूरा दाग जमा रहे और नेपाल के अंदर भी,
तो ये कह सकते हैं 5 किलोमीटर अंदर नेपाल, 5 किलोमीटर भारत के अंदर, 10 किलोमीटर की जो ये पूरी पट्टी पर इनका बहुत बड़ा खड़यंत्र और काम चल रहा है, उन्हीं पर इनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और साफ ठिकाने जो इनके बन रहे हैं वो मदरसे के रूप में बन रहे हैं, मस्जिदों के रूप में बन रहे हैं और मजारों के रूप में। बाहरी लोग माइग्रेट करके आए हैं। अच्छा। और माइग्रेट अच्छा, एक बहुत बड़ा इन लोगों के पास ये है कि माइग्रेट करके आने वाले मुस्लिमों को ये पूरी मदद करके अपने पास रखना और उनकी पूरी मदद करना और धीरे धीरे उनके कागजात तैयार करवाना कि वो स्थायी हो जाएं। ये बहुत बड़ा खड़यंत्र होता है। प्रशासन मूक बना रहता है जी, जब तक उनकी कार्यवाही होती है, उनके पेपर तक बन नहीं जाते हैं तब तो तक प्रशासन भी के भी जो है हाथ पांव नहीं फूलते हैं। अच्छा। और जब कोई घटना और दुर्घटना होती है तब लोग कहते हैं कि अरे ये तो बाहर का था, यहाँ पर उसने एक विस्फोट कर दिया, ये कर दिया। आप जनसंख्या की बात अगर करें तो 20 वर्षों में जो दोनों जनगणनाएँ जो हुई हैं 2001-2011 उन जनगणनाओं को उठा करके देख लिया जाए, उसमें आपको पता हो जाएगा। आप पूरी लिस्ट निकाल लीजिए भारत सरकार की, उसमें पता जाएगा उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले मुस्लिम बाहुल हो गए हैं। आपका बगल का सिद्धार्थनगर जिला ही मुस्लिम बाहुल हो गया है, और उसी तरह से बलरामपुर भी लगभग मुस्लिम बाहुल होने की स्थिति में आ गया है। इसका एक बहुत सरल सा उदाहरण ये है कि लगातार 20 वर्षों से बलरामपुर नगर निगम का जो चुनाव होता है 20 वर्षों से लगातार मुसलमान ही जीत रहा है। पहले हिंदू जीतता था। जी बिल्कुल गहराई से अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो CID LIU अपना काम करे जी, तो बहुत बड़े पैमाने पर सारी चीजें निकल के आ सकती। नहीं, यशस्वी तो प्रमाणिकता के साथ काम कर रही है ना, उसके आने के बाद तभी तो तमाम तरह के अपराध रुके हैं। तस्करी लगभग 80% रुक गई है, 20% तस्करी अभी भी होती है, जिसमें पशुओं की तस्करी सबसे अधिक है। आज भी यहाँ से पशुओं को ले जाकर के नेपाल के रास्ते फिर बांग्लादेश तक भेजा जाता है। ये बहुत बड़ा एक गरीब अगर एक टाली ईंटा गिरवाता है तो हाँ लेखपाल, नायब तहसीलदार और थाना चौकी सब पहुंच जाते हैं जी। इतने बड़े बड़े मदरसे, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनती जा रही हैं, जैसे बताया मिश्रा जी ने, आपने भी बताया, लगातार नवनिर्माण हो रहे हैं, तो क्या वो नज़र में नहीं आते होंगे? सबके नज़र में है। बिना नक्शा पास किए कैसे बन जा रहे हैं? अगर बिना नक्शा पास किए बन जा रहे हैं तो इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? जो मजारे मानी है, जो मजारे बनी है, अब मैं यहाँ से बढ़नी जाते समय देखा कि मजारे सड़क के किनारे, वो तो सरकारी जमीन है, नदी के किनारे बनी है, तो मतलब उनका कोई लॉजिक आपको दिखता है कि किसी लॉजिक से? बिल्कुल लॉजिक ये है कि जब कभी ऐसी स्थिति आएगी कि भारत गृह युद्ध के बीच में फंसेगा, तो रेलवे स्टेशन के पास इनके मजारे हैं। यहाँ के रेलवे स्टेशन के आसपास है मजार? जी रेलवे स्टेशन एकदम नजदीक में है, बलरामपुर रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर है। अच्छा। मतलब आप कह सकते हैं 200 मीटर की दूरी भी नहीं है। जी। तो इनका बहुत बड़ा खड़यंत्र है रेलवे स्टेशन के पास जी, मौका पड़ेगा रेलवे स्टेशन उड़ा देंगे, बहुत बड़ा यातायात का तंत्र ये रोक देंगे। अच्छा। तीसरा बस अड्डे के आसपास जी, इनका बहुत बड़ा तंत्र है कि ये इसको रोक देंगे जी। उसके बाद उससे बड़ा भी तंत्र ये है कि ये क्या काम करते हैं कि रेल पुल के पास, रेलवे पुलों के पास, रोडवेज पुलों के पास इनका बनाना कि ऐसी स्थिति में पुलिस का आवागमन ना हो सके, सेवना का आवागमन ना हो तो मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए ये इनका एक बहुत बड़ा टारगेट है कि उनको इन्हें और उसी के हिसाब से ये बना बना के वहाँ बैठना भी शुरू कर दिए। जी। कैमरा पर्सन CP मिश्रा के साथ राहुल, ऑफ इंडिया, बलरामपुर।